600 का सेट है पूरा कॉर्ड है। ये कितने का है भैया? 350 का है। अच्छा है बट बहुत छोटा है। 350 का है। कितने की है भैया? 350। अच्छा शॉर्ट कुर्ती 500 की है, डब्लू की है ये। ये आपने 1200 की बताई है। कुर्ती पैंट और दुपट्टा है इसमें। 1350 की। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करने वाली हूँ कमला नगर की मार्केट। बहुत ही अच्छा कलेक्शन आया हुआ था। शॉर्ट्स वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ जो आपको काफ़ी पसंद आई थी, तो मैंने सोचा कि इट्स टाइम कि आप लोगों के साथ कंप्लीट कलेक्शन शेयर किया जाए। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। और यहाँ पर सबसे पहले जो मॉल है, मॉल का जो गोल चक्कर है ना, उसमें जो शुगर वाली साइड है उसके बिल्कुल सामने मेरे को एक स्टॉल दिखाई दी जहाँ पर आपको लटकन मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी 50 रुपीज़ से। 50, 100, 150, 200 तक की बहुत ही सुंदर सुंदर लटकन भैया के पास अवेलेबल थी। और उसी के साथ ना भैया के पास एयररिंग्स भी अवेलेबल थे, हैवी वाले जो होते हैं ना जिनमें बड़े बड़े स्टोन लगे रहते हैं, वो 100, 150, 200 रुपीज़ के। छोटे लेना चाहते हैं स्टर्ट्स, तो स्टर्ट्स भी अवेलेबल थे 50 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में। और ये वाली ना आजकल डैंगलर्स बहुत चल रहे हैं इयररिंग में, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे। गोल्डन और सिल्वर आपको दोनों मिल जाएंगे। नाउ मूव ऑन करते हैं मेरी फेवरेट शॉप की तरफ, जो है मान्यवर के बिल्कुल सामने, जॉन प्लेयर के एकदम नीचे। यहाँ पर ना आपको ज़ारा के ड्यूप्स और अदर ब्रांड्स के ड्यूप्स भी बहुत ही अमेजिंग देखने के लिए मिल जाते हैं। दिस इज शॉप नंबर E149। और इनके पास ना मैं आप लोगों को प्राइस भी दिखा देती हूँ क्या क्या है और क्या क्या मिल जाएगा। 24। तो गाइस कलेक्शन तो इनके पास हमेशा ही बहुत ही अमेजिंग होता है। और मैंने ना यहाँ से एक टॉप भी परचेज़ की है, तो मैं आप लोगों को स्टाइल करके दिखाऊंगी उसको। ज़ारा का ही ड्यूब है जो मैंने 500 रुपीज़ का परचेज़ किया है, बट ये टेड बेकर की आपको टॉप मिल जाएगी, काफ़ी सुंदर लग रही थी। और भी काफ़ी सारे अदर ब्रांड्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और इनके पास ना इम्पोर्टेड जो ड्रेसेस होती हैं ना डिज़ाइनर, वो भी बहुत सारी अवेलेबल थी, तो मेरे को हमेशा ना ये वाली शॉप बहुत पसंद आती है। इसके काफ़ी सारे शॉर्ट्स भी मैंने आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किए हुए हैं, तो आपका काफ़ी अच्छा और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है। तो अगर आप वेस्टर्न वेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हो और आपको एक अच्छी क्वालिटी की ड्रेस या फिर टॉप चाहिए, तो आप यहाँ पर जा सकते हो कमला नगर मार्केट में। और ये आपको पूरा सेट दिख रहा है ना, ये 1000 रुपीज़ का अवेलेबल था, और इसमें आपको कलर ऑप्शन भी काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। साथ में इनके पास और भी फ्रिल वाले टॉप्स थे, लाइक इस तरह से आपको मिल जाएंगे। 500 रुपीज़ का था, थोड़ा सा ज़्यादा था, मतलब 800 बोला था या फिर 700 बोला था, लेकिन आप बार्गेन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं है, बट हाँ थोड़ी बहुत आप डेफिनेटली कर सकते हो। और ये आपको दिख रहा है ना, काफ़ी डिज़ाइनर सा टॉप है, बैक इसकी कंप्लीट नेट की है, एंड फ्रंट आपको प्लेन मिलेगा 1050 रुपीज़ का। इस टाइप की आपको शर्ट्स मिल जाएंगी, प्रिंटेड मिल जाएंगी, फ्लावर वाली मिल जाएंगी, और कॉर्ड सेट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। ये कॉर्ड सेट है तो ये भी काफ़ी सुंदर लग रहा था। साइजेस ऑप्शन भी आपके पास काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। तो वहीं से थोड़ा सा और आगे चली तो मेरे को ये ना ब्रांडेड टी शर्ट्स जो होती है ना लिखी हुई, वो मिल रही थी, बट डेफिनेटली कॉपीड पीसेस थे ये, अलग अलग ब्रांड्स के 250 रुपीज़ में, लाइक नाइकी, गुची, रीबॉक। आपको काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे, साइज़ ऑप्शन भी होंगे, कलर ऑप्शन भी होंगे, तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा पसंद है और आप कैसा लेना चाहते हो। लोकेशन सभी की मैंने आप लोगों को दिखाई है या फिर बताई है, आप डायरेक्टली वहाँ पर जा सकते हो। ये ना बिल्कुल जो पर्पल का शोरूम है उसके बाहर लगाते हैं भैया। और वहीं से थोड़ी सी और आगे चले तो मेरे को ना ये इस तरह से घुंघरू वाली जो फुटवेयर चप्पलें होती हैं या फिर जूतियां होती हैं वो अवेलेबल थी, जिनकी स्टार्टिंग रेंज थी 250 रुपीज़, 350 और 500 तक इनके पास अवेलेबल थी। तो अगर आपको ना इंडियन अटायर पसंद है तो आप
इनके साथ उसको पेयर अप कर सकते हो, अपनी ड्रेस को स्टाइल कर सकते हो। मतलब जूतियों का काफ़ी अच्छा कलेक्शन था घुंघरू वाली, जो अगर आप ऑनलाइन परचेज करोगे तो आई थिंक काफ़ी महंगी पड़ेंगी, बट यहाँ पर आपको 250 रुपये से मिलनी स्टार्ट हो जाती हैं। और इस बार मुझे कोल्हापुर चप्पल इतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दी, थोड़ी बहुत ही दिखाई दी बट उतनी नहीं थी जितनी कोल्हापुरी चप्पल जो है ना कमला नगर में हमेशा से बहुत ही सुंदर मिलती हैं। तो वहीं से थोड़ी सी और आगे चले तो ना मेरे को ये ग्राफिक टीज दिखाई दी 300 रुपीज़ में। साइज इसमें फ्री साइज था, छोटा या बड़ा आपको नहीं मिलेगा, बट कलर ऑप्शन आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे। लाइक स्टार्टिंग में ग्रीन है, लेवेंडर है, येलो है, पर्पल है, और भी रेड है, तो काफ़ी सारे कलर ऑप्शन आपको इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, डिज़ाइंस भी अवेलेबल हो जाएंगे। और वो जो गर्ल वाला डिज़ाइन था वो तो मेरे को बहुत ही सुंदर लग रहा था। अगर आपकी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब BFF हो आप लोग, तो आप उसको डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और इनके पास में थोड़ी शॉर्ट में भी अवेलेबल थी, क्रॉप में। और नॉर्मल वाली कुर्ती 500 की, ये आपने 1200 की बताई है। कुर्ती पैंट और दुपट्टा है इसमें, 3 पीस सेट है, ठीक है। अच्छा शॉर्ट कुर्ती 500 की है, डब्लू की है ये, ठीक है। और दिखा दो एक दो निकाल के। नायरा कट क्यों कहते हैं इसे? सीधी होती है। अच्छा ठीक है, स्ट्रेट में सेट है, प्लाजो सेट, ठीक है। ये फ्रॉक सूट, ठीक है, ये भी 3 पीस सेट है, ये 1200 की ना। हाँ जी, तो इन वाले भैया के पास ना लॉन्ग के साथ साथ शॉर्ट कुर्तियां भी थी 500 रुपीज़ में। बीबा, डब्लू, लक्षिता, इन सभी के ब्रांड की कॉपी पीसेज आपको यहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। और जो मैं ये अभी शॉर्ट कुर्ती दिखा रही हूं ये 500 रुपीज़ में यहां पर मिल रही थी, ये डब्लू की हैं, तो आपको इसमें साइज़ भी मिल जाएंगे, कलर ऑप्शन और पैटर्न भी काफ़ी सारे अवेलेबल हो जाएंगे। और जो लॉन्ग कुर्ती हैं ये लॉन्ग में है, ये भी डब्लू की है, ये भी आपको 500 रुपीज़ में ही यहाँ पर मिलेंगी। भैया ना हमेशा यहीं पर शॉप लगाते हैं, तो आपको कहीं भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं है। बंगलो रोड पर जाओ सीधा और इस वाली शॉप पर पहुंच जाओ, आपको काफ़ी अच्छी कुर्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी। मैंने यहां से कई बार शॉपिंग की, अपनी मम्मी के लिए कुर्ती लेकर गई हूं, तो उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी निकलती है और जल्दी से ख़राब भी नहीं होती है। मतलब ये अगर आप डिपेंड करता है कि उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो और कितना वॉश कर रहे हो, बट यस इनकी क्वालिटी काफ़ी सही निकलती है। और ये ना स्पोर्ट्स स्टेशन है एक शोरूम, उसके बिल्कुल बाहर था। कितने की है भैया? 350। तो इस तरह की आपको फुटवेयर भी काफ़ी अच्छी अवेलेबल हो जाएंगी, 350, 450, 500, 550 की यहाँ पर अवेलेबल थी। कितने की बताइए? पूछा नहीं भैया। अंधेरा आ रहा है, दिखा कोई। सेट कितने का होगा भैया? ये 600 का सेट है, पूरा कॉर्ड्स है। टॉप्स का यहाँ पर आपको और भी काफ़ी सारा कलेक्शन मिल जाएगा, शर्ट और टॉप्स इसमें दोनों मिक्स थी। और इस तरह से आपको ना कॉर्ड सेट भी मिलेगा, लाइक अंदर इसमें इनर है और ऊपर आपको शर्ट मिल जाएगी, और जो इनर है ना वो पैडेड। ये कितने का होगा? 300 के हैं ये, 300 रुपीज़, ठीक है। आप पहुँच जाते हैं इस वाली शॉप पर,
जहाँ पर ना मेरे को बहुत ही अच्छे ब्रेसलेट्स देखने के लिए मिले 80 रुपीज़ में। पर्ल बीडेड जो होते हैं ना वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे, क्वालिटी बहुत जेन्युइन थी, A1 थी। इसमें से मैंने भी एक पिंक कलर का परचेज किया है, कलर ऑप्शन भी इसमें आपको बहुत सारे अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री साइज़ थे, क्वालिटी इज़ रियली नाइस, तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। बहुत सारे कलर ऑप्शन इसमें अवेलेबल थे और इनके पास एयरिंग का कलेक्शन हमेशा बहुत अच्छा होता है। मैं हमेशा यहाँ से 3 से 4 पेयर ऑफ एयरिंग लेकर आती हूँ और जिनकी स्टार्टिंग रेंज है 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़ तक के आपको बहुत ही सुंदर सुंदर एयरिंग यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। हुप्स या फिर आपको स्टोन वाले लेने हैं आप पर डिपेंड करता है। या ना इस बारी ना कंप्लीट सेट भी मिल रहा था जिसमें आपको 5 to 6 पेयर ऑफ एयरिंग मिल जाएंगे, तो वो आई थिंक 150 या फिर 200 रुपीज़ का था। और ये जो आपको ये वाला सेट आई थिंक 150 या फिर 200 के बीच का ही था। और इस तरह से और भी पर्ल वाले और स्टोन वाले एयरिंग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। कलेक्शन बहुत अच्छी थी, स्टड लेना चाहते हो स्टड की कलेक्शन भी बहुत अच्छी थी, या फिर ये फंकी वाले फ्लावर वाले स्टाइलिश सुंदर सुंदर से जिन पर डिफरेंट डिफरेंट शेप्स एनिमल्स फ्लावर्स या फिर फ्रूट्स वगैरह बने रहते हैं वो यहाँ पर बहुत अच्छे अवेलेबल थे। ये सिर्फ 50 रुपीज़ में थे। और भी ना यहाँ पर अगर आपको हुप्स पसंद हैं तो कलरफुल हुप्स का बहुत सारा कलेक्शन था, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में, स्टार राउंड या फिर स्क्वायर जैसे भी आप लेना चाहते हो कलर्ड में, वो सब यहाँ पर मिल जाएगा। तो ये शॉप मेरे को काफ़ी पसंद है, हर बारी मैं इनकी वीडियो बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक्सेसरीज़ आप लेना चाहते हो तो यहाँ से ले सकते हो, एयरिंग का तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन था। उसके अलावा यहाँ से ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, नेक पीस, एयरिंग, झुमकी, चांद बाली कुछ भी लेना चाहते हो वो भी यहाँ पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो जो ह्यूज कलेक्शन है इनके पास वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयरिंग्स का ही है, लाइक ये स्टड में आएंगे और इनमें हैंगिंग नहीं है ज़्यादा, और फ्लावर है और डिफरेंट डिफरेंट शेप्स आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। अब झुमकियाँ देख लो, 50 रुपये से लेके 100 रुपये 150 रुपये तक की यहाँ पर आपको झुमकी आराम से अवेलेबल हो जाएंगी, और चांद वाली भी थी। तो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी का भी भैया के पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था, ये भी वहीं पर स्पोर्ट्स स्टेशन है ना उसी के बाहर आपको देखने के लिए मिलेगा। ये भी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं ना, डिफरेंट से मतलब मल्टी कलर में काफ़ी सारे ड्रेसेस आउटफिट के साथ वो चल जाएंगे। स्टोन वाले लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल था। और ये है लोकेशन मिनीसो के बिल्कुल बाहर, स्पोर्ट्स स्टेशन भी यहीं पर है। डेंटी नेक पीसेस, स्टार नेक पीसेस, मतलब जो पतली पतली सी चेन होती है, बटरफ्लाई होती है, फ्लावर लगे हुए होते हैं और पर्ल लगे हुए होते हैं, कितना सुंदर लग रहा है। इनके सब के आपको 200 रुपये तक में बहुत अच्छा कलेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। आप अपने आउटफिट को बहुत ही डिफरेंट सी लुक दे सकते हो क्योंकि इनके पास एक्सेसरीज़ बहुत सारी अवेलेबल थी। तो गाइस कमला नगर में ना इस बारी काफ़ी अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, जो मुझे लगा कि अगर आप जाओगे एक बारी तो बहुत सारी शॉपिंग कर कर आओगे। चेंज लेकर जाना क्योंकि सभी के पास पेटीएम अवेलेबल नहीं होता है, किसी किसी के पास होता है बट सबके पास नहीं होता। तो ये वाली चेंज का कलेक्शन तो बहुत सुंदर था, 100 रुपीज़ में मिल रही थी और 150 रुपीज़ में मिल रही थी। उसके अलावा अगर आप पैपलम टॉप्स लेना चाहते हो तो वो भी थी, आई थिंक 300 रुपीज़ की थी ये वाली, और चिकन भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा और भी काफ़ी सारे डिज़ाइन कलर ऑप्शन आपको अवेलेबल हो जाएंगे बट साइजेस अवेलेबल नहीं थे। और ये कॉटन में थे, काफ़ी सुंदर लग रहे थे, प्रिंट भी इनके काफ़ी अच्छे अच्छे थे। तो अगर आपका हल्का सा टमी विजिबल होता है ना तो आप पेपलम स्टाइल के टॉप्स पहन सकते हो, इसमें आपका टमी ज़्यादा विजिबल नहीं होता है और आपको एक स्लिम लुक भी देखने के लिए मिल जाती है, मतलब पता नहीं चलता है, एक ऐसा इल्यूजन बन जाता है कि आपका टमी है ही नहीं, तो काफ़ी सुंदर इसमें आउटलुक निकल कर सामने आता है। तो कलर ऑप्शन डिज़ाइन ऑप्शन आपको बहुत सारे यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे पैपलम टॉप में, बट आई थिंक साइजेस यही है, साइज़ ज़्यादा अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा यहाँ पर ना मेरे को एक बैग की शॉप भी दिखाई दी जहाँ पर आपको कुछ ब्रांड्स के कॉपीड बैग्स मिलेंगे, लाइक सब्यसाची था, एलवी था, ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे बट यस आप इनके पास काफ़ी अच्छा कलेक्शन था और कोई भी आप परचेज कर सकते हो 350 रुपीज़ में। और अगर आप जाओगे ना तो ये 50 या 100 रुपये और भी कम कर लेंगे अगर आप बार्गेनिंग करवाओगे तो, बट मैं बोलूँगी यार 350 रुपीज़ इनफ हैं, भैया लगाते हैं, मेहनत भी है उनके, सारे दिन खड़े रहते हैं, तो आप 350 रुपीज़ में ही खरीद लेना, ज़्यादा बार्गेनिंग मत करना। सो गाइज यही था कंप्लीट कलेक्शन कमला नगर मार्केट का और बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है, आप डेफिनेटली जाकर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो और शॉपिंग कर सकते हो। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें, एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय गाइज़।